ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आर्क प्राइमल फेयर। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने टेम किया था इस डेमोनिक रीपर एम्प्रेस को, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डायनासोर है। ये हमारा एक बॉस किलर है, 36 मिलियन का डैमेज देता है भाई, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेरर वर्ड के कंपेरिजन में आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल बहुत बढ़िया डायनासोर है। एंड एक रुको, अगर यहाँ से कूद गया ना तो मेरी हेल्थ बहुत गंदे तरह से जाती है, तुम देख सकते हो आधी हेल्थ मेरी जो है ऐसे चले जाती है। एंड गाइज, आज के इस एपिसोड में अपन फाइनली जाने वाले हैं और टेम करने वाले हैं एक सेलेस्टियल गीगा को। आई होप सो कि वो हमें डिसअपॉइंट ना करे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और मज़ेदार भी हो, ठीक है। तो जो है, और मेरे को ना थोड़े बहुत ओरिजिन वाले डायनोज भी पेलने हैं। रुक जाओ एक मिनट, मेरी इन्वेंटरी में कुछ ज़्यादा सामान पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं वेपन वाले सारे के सारे ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। 607 का इसका डैमेज है, 700 का तो मेरे पास ही है, ठीक है। ये सारे वेपन्स ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरे कोई काम के नहीं है अभी फिलहाल। तो ये जाएगा, आर्मर भी नहीं चाहिए मेरे को, बढ़िया वाले बेकार है सारे वैसे भी। ओरिजिन फ्लैग है, और ये ओरिजिन वाले है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी, सो इसलिए मेरे को नहीं चाहिए। प्राइमल वाले भी नहीं चाहिए हैं, और ये सब कुछ फेंकने दो भाई, फालतू का सामान बहुत पड़ा हुआ है मेरी इन्वेंट्री में। ये जा भाई, कितना सामान हो रखा है। एक सेकंड, कल मैंने बहुत सारे ओरिजिन डायनोज मारे थे इसलिए ना बहुत ज़्यादा सामान भरे हुए हैं एकदम से पूरी तरह से। एंड यहाँ पे प्राइमल एरोज हैं, ठीक है। ये मैं फेंक देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, और टेम हेल्पर तो ऊपर रख देता हूँ, ये हमारे काम आएगा। बाकी सारा सामान जो मेरे को वहाँ रख कर आना पड़ेगा, अभी रुक जाओ। ओरिजिन ब्लड भी है तो अपन आज थोड़ी बहुत एरोज भी मैं बना लूँगा क्योंकि काम आती है भाई। ये देखो, तुम लोग देख रहे हो गेम में भाई लोड होने में बड़ा टाइम लगा रहा है अभी। चलो अभी फटाफट चलते हैं, और भाई बहुत काम करना है आज अपने को, सेलेस्टियल गीगा पकड़ना है। और मैं देखता हूँ कि आज मैं उसके साथ में कौन सा डायनो टेम करने वाला हूँ। मे भी अगर कोई सेलेस्टियल वाला बढ़िया सा मिल गया तो देख लेंगे। अभी एपेक्स मेगा, पता नहीं क्या नाम है, मेसोपिथेकस, या फिर बॉस भी टेम कर सकता हूँ शायद से मैं। लेट्स सी, ये क्या है? ये है डेमोनिक चेस्ट पीस। एक सेकेंड, ओरिजिन वाले बढ़िया होते हैं कि डेमोनिक वाले बढ़िया होते हैं? ओरिजिन वाले बढ़िया होते हैं राइट, तो डेमोनिक वाला तो मैं नहीं पहनने वाला। ओके सो सबसे पहली चीज़ है, सोल्स रख देता हूँ सारी की सारी यहाँ पर, एंड इसी के साथ जो हमारी कॉस्ट्यूम्स आ जाएंगी सारी यहाँ पर। चलो ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ये सारी की सारी कॉस्ट्यूम्स इधर रख देंगे। और रुक जाओ, ये टोकन निकालने दो भाई। ट्राइब्यूट जो है, ट्राइब्यूट्स यहाँ पर आ जाएंगे सारे। अभी देखना पड़ेगा कि मेरे को ना कौन कौन से चाहिए एक्चुअली में। एंड ओरिजिन ब्लड यहाँ रख दूँगा, ये सोल्स रख देता हूँ, और ये कॉस्ट्यूम भी यहाँ रख देता हूँ। इसकी कॉस्ट्यूम है, ये कार्नो की है ना? कार्नो मैंने अभी तक टेम नहीं करा एक भी, टेम करके ना देखूंगा उसका आखिर क्या सीन है भाई। और यहाँ पे तो फालतू का सामान रखा हुआ है, ज़रा मेरे को ना एक वो भी बनाना था, बनाऊंगा रुक जाओ। पहले सारी जो एरोज वेरोज बची हुई है ना भाई, सब कुछ यहाँ फेंकना, तो मेरे कोई काम नहीं आ रही अभी फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड ये एमओ भी नहीं चाहिए मेरे को, ये खाना जो है ना बेकार वाला पड़ा हुआ है, इसको मैं फेंक देता हूँ। और ये एलिमेंट शार्ड्स रख देता हूँ, ये वाली वेपन डाल देता हूँ। और रुक जाओ भाई, कितना सारा सामान पड़ा हुआ है मेरी इन्वेंटरी में, ये रख दिया। और पोटेंट नार्कोटिक भी मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे सिर्फ ना चीज़ें बनाने में काम आता है, तो उसको मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ। एंड अभी ये पूरा भर दिया है, और बेसिक किबल मैं पहले बना लेता हूँ, बेसिक बॉस का जो किबल होता है। तो अपने को बेसिक वाला बॉस पकड़ना चाहिए, हाँ ये काम करते हैं, बेसिक वाले बॉस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक बना लेता हूँ, कोई भी एक बेसिक वाला जो बॉस होता है वो पकड़ लेता हूँ। रुक जाओ एक सेकंड, बॉस किबल जो होता है ना, बॉस सिर्फ सर्च कर लेता हूँ मैं, ठीक है, बॉस किबल। एंड रुक जाओ इसे जरा, मैं धीरे धीरे करके अपन सारे बॉसेस पकड़ने वाले हैं क्योंकि अभी इसलिए। तो अल्फा बॉस है, एपेक्स बॉस है, स्पिरिट बॉस किबल है, भैंस की। एक सेकंड, अनलॉक नहीं हो रहा बे, वाई? स्पिरिट और भी पहले अनलॉक करनी पड़ेगी मेरे को शायद से। ओके गॉट इट, रुको एक सेकंड, स्पिरिट किबल भी होता है क्या? तो या स्पिरिट बॉस की, अबे एक सेकंड, स्पिरिट वाला आई थिंक अनलॉक क्यों नहीं हो रहा, लेकिन स्पिरिट और भी अनलॉक करनी पड़ेगी क्या पहले मेरे को? स्पिरिट स्पिरिट और भी आ रही, अनलॉक ही नहीं हो रही है भाई, ये क्या सीन है? कोई ग्लिच व्लिच चल रहा है क्या इसके अंदर? स्प्लिट का, स्पिरिट का तो कुछ अनलॉक ही नहीं हो रहा भाई। ठीक है, एक सेकंड भाई मेरी, अबे दो ओरिजिन एरो थी ना मेरे हाथ में भी, तो कहाँ चली गई? एक सेकंड, ओरिजिन एरो, ये ओरिजिन एरो, हाँ ठीक है ठीक है। और मैं ज़रा ओरिजिन वाले थोड़े बहुत बना लूँ, और ओरिजिन वाले काम की है भाई, तीन और बन जाएंगे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन तो बना ही लेंगे अपन। लेट्स गो, इनको भी रख लेते हैं, काम आती रहती है भाई कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए इसलिए। एंड मेरे पे ब्लैक वाले एरोस पड़ी है, और मेरे पे सारे पेस्ट वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। रुक जाओ, सबसे पहले मैं तुम लोग को जो है हमारे डेमोनिक एम्प्रेस की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल है भाई वो, उसमें तबाही मचाऊंगा अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ भाई, तबाही मचाइए अभी बस यहाँ पे। आजा बैठे डेमोनिक एम्प्रेस, सॉरी माय बैड, मैं भूल जाता हूँ।
कि मेरे को जो है पहले बॉस वाले किबल बनाना है, उसके बाद में ही जाना है यहाँ से, ठीक है। बॉस वाले किबल बनाने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो कौन सा बनाया था ना, ये हमारा पहला बेसिक एक सीन, लेकिन शायद थोड़े ज़्यादा भी खा सकते हैं ना, थोड़ा ये भी हो सकता है सीन। एक काम करता हूँ, एटलीस्ट तीन तो बना ही लेता हूँ, ठीक है। दो और चाहिए मेरे को इसके लिए, वैसे एटलीस्ट तीन बना के चलूँगा सारे, ठीक है। क्योंकि क्या चाहिए इसके लिए, जेनरिक आर्टिफैक्ट चाहिए। आर्टिफैक्ट पड़े तो हैं यार, लेकिन अच्छा ठीक है, सारे आर्टिफैक्ट इसी में यूज़ हो गए मतलब मेरे। अरे भाई साहब, ये तो थोड़ा सीन हो गया यार। ठीक है, मतलब मेरे को अल्फा किबल भी चाहिए, 15 अल्फा किबल चाहिए। भाई अल्फा किबल तो मैंने बना ही नहीं रखे हैं भाई, बड़ा सीन है इसमें तो। ठीक है, कोई सीन नहीं है, बेसिक बॉस किबल मैं टेम करूँगा आज, अपन बेसिक वाला टेम कर लेंगे। तो ब्रूड मदर पकड़ेंगे या फिर कोई ना कोई तो पकड़ ही लूँगा मैं, और सेलेस्टियल गीगा भी टेम करेंगे अपन। सो यहाँ अभी चलते हैं डेमोनिक एम्प्रेस की टेस्टिंग करने के लिए भाई, तबाही मचाने चलेंगे अभी। चलना बैठना। अबे यार, एक तो ना फालतू में बैरीज वैरीज उठा लेता ना, पूरी इन्वेंट्री ख़राब कर देता है। चलो लेट्स गो। कितनी हेल्थ है भाई तेरी? इसकी हेल्थ है 150 मिलियन, ठीक है गाइस, 150 मिलियन। भाई मजाक है क्या? ये 738 का भाई गोल्ड लेट का, एक सेकेंड, 738 ऊप है इसकी। मस्त लग रही है वाली राइफल, बनानी पड़ेंगी बाद में। ठीक है, ये बना दूंगा। और कुछ काम का है इसमें, फालतू का सामान बहुत पड़ा है, पर ठीक है कोई सीन नहीं, चलो रहन देता हूँ इसके अंदर ही। बाकी यार गाइस, अभी आएगा असली मजा, स्पाई ग्लास ऑन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि राइट क्लिक वाला ठीक हुआ है कि नहीं। सॉरी, ये नहीं, वो स्पेशल एबिलिटी कौन सी थी एक्स्ट्रा बाकी? हाँ, आई थिंक अभी ठीक हो चुका है ये वाला एबिलिटी जो था इसका, पहले साला कहीं भी फेंक रहा था, आई थिंक अभी शायद सही जगह पर फेंकेगा ये। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, साला अभी भी कहीं और ही फेंक रहा है भाई, कुछ भी मतलब। ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? 40 को थीरियम साढ़े बूस्ट देना, तो रुक जाओ साले, इसको मैं बताता हूँ। मार इनको, तबाही मचा, तबाही दिखा दे इनको, क्या भाई ये ले। ए, इतना कम डैमेज को दे रहा है ये, हाँ इतना कम डैमेज को दे रहा है, सिर्फ 1 मिलियन का। भाई कल तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रखा था, आज क्या हो गया इसको? अरे आज क्या हो गया इसको, कुछ नहीं दिख रहा भाई, एक सेकंड रुको गाइस, क्या हो गया इसको? लेकिन आज तो उसके लगे पड़े हैं। आ जा। अरे कहाँ फेंक रहा, गजब ही है भाई, गजब ही है, लेकिन कहीं पर भी फेंकता रहता है भाई ये। ये देखो पीछे क्यों फेंक रहा है, साढ़े ये आगे कर रहा हूँ, पीछे फेंक रहा है, लेकिन पता नहीं इसने किस किस को पेल दिया अभी। प्राइमल वाले डायनोस मार रहा है ये। ओ ये कौन सा गीगा यहाँ पे? केओस डोडोरेक्स है भाई, एक सेकंड गाइस, क्या अपन केओस डोडोरेक्स को मार पाएंगे? क्या लगता है, कैन वी बीट दैट केओस डोडोरेक्स? तेरी ऐसी की तैसी, साढ़े आ जा, तुझे तबाही दिखाऊँ मैं। साढ़े मारेगा मेरे को, बहुत गंदा मारेगा भाई। अरे भाई डैमेज दे रहा था वो मेरे को बहुत। रुक जाओ। अरे यार वो कहाँ भाग गया वो? हाँ ना बेटे, इधर आ, डरता थोड़ी देर से मैं। अबे तो पीछे कहाँ फेंकता है यार, इसका ना बस यही सीन है, ज़्यादा पीछे पता नहीं कहाँ डैमेज देता है ये। पर भाई साहब, व्हाट रियली, डेमोनिक वाला ऊपर बैठा है, रुको ये पता नहीं कहाँ ही गोले फेंक रहा, देखी होवे में। ठीक है भाई, कोई सीन नहीं है, ठीक है भाई, बढ़िया, डेमोनिक रीपर है बढ़िया। बस ये ना डैमेज कल से काफ़ी कम डैमेज दे रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको, तो सीन हुआ है मेरे को ऐसा लग रहा है इसका। 1.5 मिलियन का डैमेज दे रहा है सिर्फ ये, 1.5 मिलियन काफ़ी कम है यार। हम जो भी ट्राई करते हैं स्पेशल एबिलिटीज देखने, तो इसकी आज क्या हो गया इसको, थक गया क्या आज? अरे भैंस की, रुक जा, साढ़े बताता हूँ तुझे मैं कौन है। आ जा, कौन है? आ जाओ। अरे आ जा, तू होगा कहीं का भाई, गेम लाग कर रहा है तो गंदा वाला। ये सब बच्चे लोग है भाई, सब बच्चे लोग है लिटरली ब्रो, अपन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं अभी फिलहाल तो। पता नहीं बाद में क्या होगा, लेकिन हाँ अपन डेमोनिक वाले को लेके चलेंगे। रुक जाओ, अभी सामने वाला जो कैशल है ना, वहाँ लेके चलते हैं इसको, दवाई मचा कर आएंगे भाई। रुको, ओए यार, ये डोडो रीपर बढ़िया होते हैं क्या यार? मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, डोडो रीपर बढ़िया होते हैं क्या? क्योंकि अगर मैंने ये स्पिरिट वाले, अबे अटैक नहीं पड़ते इनको, आ गया मर गया डॉल। मार दिया मैंने आराम से, फेल दिया इसको तो यार। लेकिन वो मार रहा था ना लेफ्ट क्लिक करके, जो मैं फेल रहा था तो मर रहा था उससे, पता नहीं क्यों। आई थिंक शायद इसमें ना कुछ तो सीन है भाई, स्पिरिट वाले मरते नहीं हैं ऐसे नॉर्मल अटैक से।
चलो अंदर चलकर आते कैसल के, ठीक है। आई होप सो कि अपन अंदर तक जा पाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा डायनासोर है, तो मुझे लग नहीं रहा अंदर जा सकते हैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके अंदर नहीं जा सकते अपन, दैट्स बैड। अंदर है नहीं वैसे कोई खतरनाक डायनासोर ना। खाली पड़ा हुआ है पूरा एरिया। पहले अपन ने तबाही मचा दी भाई यहाँ पर, तो अभी हमारे डेमोनी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वैसे एक बात तो है गाइस, ये देख रहे हो कितना खतरनाक। अबे भाई साहब, ए मारने रहा लेकिन इसको, ऐसा क्यों? एक सेकंड रुको, साढ़े तेरी वैसे तुझे मैं बताऊँ, रुक तुझे मैं बताऊँ, रुक साढ़े हैं, ऐठेगा ऐठेगा, बता कहाँ गया इसका स्पेशल अटैक। अबे इसका स्पेशल अटैक पता नहीं कहाँ ही जाता है भाई, तो ठीक है ठीक है। मतलब सब 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 डायनासोर बच्चे हैं भाई, अभी सारे डायनासोर बच्चे लोग हैं भाई। आ जाओ आ जाओ, कोई आया क्या, कोई किसी में दम है तो बताओ। आ जाओ डोडो वाले, क्या है ये? आ जाओ डोडो रेक्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तू इधर आ, तेरे को मैं बताऊँ। यार एक्स वाला अगर सामने फेंके ना मज़ा आ जाएगा फिर तू। ये लो राइट लिया, साढ़े तेरी वैंस यहाँ, चल निकल। बॉस एसेंस मिलता है इससे मेरे को, बॉस है क्या डोडो रेक्स भाई? यहाँ पर डायनोपिथिकस घूम रहे हैं यार ये, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। डेमोनिक वाला होता तो मार देता शायद से मेरे को। वही हाँ, अपन ने बफन टेरर बर्ड नहीं पकड़ा ना गाइस, रुक जाओ रुक जाओ, बफन टेरर बर्ड एक बार पकड़ के देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। आई होप सो कि यार ये फायर वायर छोड़ रहा है, मेरे को डर लग रहा है इससे, मार वार देगा मेरे को ये अगर मैंने थोड़े पंगे ले लिए इससे तो। ओरिजिन एरो मारूँ उसको जाके मैं, कितना मिलियन का डॉर पर है भाई तेरा? 1.3 मिलियन का ही है इसको तो। मैं रुक जाओ एक काम करता हूँ, मैं ज़रा इससे उतरने दो, इसको करता हूँ मैं ज़रा न्यूट्रल, ठीक है। एंड अपने एल्डर मलिन को बुलाता हूँ भाई, ज़रा मैं एल्डर मलिन आ जाइए सर जी, मेरे को बिठा लीजिए, आ जाओ आ जाओ। अरे चल चल ऊपर चल, रुक जाओ। डेमोनिक टेरर बर्ड आ जा बेटे, डेमोनिक नहीं सॉरी ये तो वो है नॉर्मल वाला, आ जा बेटे बफन। अरे यार मेरा ना एक तो निशाना बहुत ज़्यादा ख़राब है, 1.3 मिलियन का टॉर्पर, आई डोंट नो इसको मैं कर पाऊँगा कि नहीं टीम। लेकिन अगर इसने मेरे को अगर गलती से डैमेज दे देना, मेरा डेमोनिक रीपर इसके ना वॉट लगा देगा, कसम से बता रहा हूँ भाई। रुक जा एक जगह ना, मेरे को खड़ा रहना पड़ेगा पहले तेरे को भाई, एक जगह खड़ा हो जाए तो कुछ कर ले भाई प्लीज़। एक मिनट रुको ज़रा, इसको मैं आराम से एक जगह खड़ा कर दूँ पहले, काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागता है भाई, दिक्कत है इसकी थोड़ी बहुत तो। आ जा बेटे आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, डैमेज नहीं ओए बेटा, उससे पंगे नहीं लियो, बहुत मारेगा तेरे को बता रहा हूँ मैं। गिर गया क्या? गिरने वाला ये उसके पास क्यों जा रहा है? जल लेगा साले उसके पास जाके। अबे यार ये मरना चाहे बस प्लीज़, बड़ी मुश्किल से दिखाए मेरे को, कहाँ गया? अबे लॉल किधर गया बे ये? अच्छा ये रहा, सॉरी गाइस, माय बैड। अब कहाँ भाग रहा है साढ़े आना तेरी। अबे यार 1.2 मिलियन, गिर गया शायद से गिर गया। अबे चल निकल भाई, एल्डर मिलियन कितना खतरनाक डैमेज दे रहा है। अबे ये गिरा क्यों नहीं अभी तक? यार उधर मत जाइए प्लीज़, वो खतरनाक डायनोस बैठे हुए। ओए ओए अरे 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 तेरी हंसी तेज साढ़े, बच गया अभी मैं। ओके रुक जा इसको पकड़ता हूँ मैं। एक खाएगा स्पेशल केबल राइट, स्पेशल स्पेशल केबल खाएगा, कितने खाएगा? दो खाएगा एक खाएगा, एक में हो जाएगा टीम। ले खां तू और ये ले, हाँ भाई जल्दी टीम हो जा। इसके लिए सैडल चाहिए यार, ये थोड़ी दिक्कत है भाई। रुक जा सैडल, और एल्डर मलिन का भी मेरे को सैडल बनाना पड़ेगा ताकि ना डैमेज कम खाए ये, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को बहुत बार बोला है पर मैं सैडल बनाता नहीं हूँ भाई, पता नहीं क्यों। रुक जाओ सबका सैडल बनाएंगे, और रुक जाओ सेलेस्टियल गीगा भी मेरे को टेम करना है। ये क्या घूम रहा है? फेबल ड्रूली राइनो, राइनो बढ़िया होते हैं क्या? हाँ वैसे डैमेज तो 50,000 का दिया था इसने हमारे, कौन सा मैप था वो, कौन सा मैप खेल रहा था, मैं एक्सटेंशन खेल रहा था शायद से, हाँ उसके अंदर तो काफ़ी बढ़िया डैमेज दिया था। बाकी यार रुको सेलेस्टियल सर्च करना था मेरे को, गीगा चाहिए अपने को, सेलेस्टियल रैक्स है, अर्जेंट टीवी से डायरबियर है, गिगांटोपिथिकस गीगा, हाँ 725 लेवल का भाई, 725 लेवल मजाक सट के बहुत पावरफुल होगा फिर तो ये। रुको गाइस अभी इसको पकड़ कर लेकर आते हैं भाई, इसको ना ओरिजिन वाला एरो मारू क्या मैं? अगर ज़्यादा टॉर पर होगा तो ओरिजिन वाला एरो मारना ही पड़ेगा अपने को यार। वैसे मैं ट्राई करूँगा इसको बिना ओरिजिन एरो मारे, क्योंकि यार ओरिजिन एरो ना बहुत जल्दी वेस्ट हो जाते हैं, अपने को बहुत खतरनाक डायनोज भी टेम करने बाद में, इसलिए अब मेरे को बचा के रखनी पड़ेगी ओरिजिन एरोज़। मे बी
क्या पता बाद में और इजी हो जाए गेम अपने लिए शायद से। रुक जाओ जरा इसको पकड़ते हैं, अभी 1700 मीटर दूर है, पास में ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। यहाँ पे और भी खतरनाक खतरनाक डायनोस लग रहे हैं भाई, ये देख रहे हो ए डेमोनिक हायनाडोन। अच्छा ये वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, भेड़िया सा, ये सेलेस्टियल गीगा। कहाँ है भाई, दिख तो रहा नहीं मेरे को। ये रहा दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। एक मिनट, इसका हेल्थ वेल्थ कितना लो है भाई। अच्छा ये किसी और का दिखा रहा है क्या। ओके सो सेलेस्टियल गीगा इज इम्यून टू ओरिजिन ट्रैंक एरोज, यूज प्राइमल ट्रैंक मेटल एरोज फ्रॉम अ हाई परसेंट बो फॉर बेस्ट नॉकआउट इफेक्टिवनेस। वाओ नाइस 38 मिलियन का टॉर्पोर है इसका, और ये चाहता है कि इसको ओरिजिन ना मार के मैं इसको नॉर्मल एरोज मारूँ। वाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। मैंने तो क्या सोचा था, क्या हो गया ये गाइस, इसके पास नहीं जा सकता क्योंकि एल्डर मलिन को मार देगा मुझे लग रहा है। और 18 मिलियन हेल्थ है यार, इसकी हेल्थ काफ़ी कम लग रही है, मुझे लग रहा है टेम करने के बाद में कम हो जाएगा इसका जो पावर वावर है ना वो भी शायद उसे। इसके लिए क्या ट्रैप तो वैसे बनाने की जरूरत है नहीं, पता नहीं कोई सी ट्रैप में आएगा भाई डायनासोरी वाला। तो लगा इसको, लगा तो है। रुक जा हाँ ये, अरे ये बिजी हो रखा है अपना घूमने फिरने में, रुक जाओ गाइस। ये जब तक बिजी है तब तक मैं इसको पकड़ ही लूँगा ना। ओए ओए हिल मत, एक जगह खड़ा रहे। ओए ओए ओए, ओए, ओए भाई गेम लाग हो गया इसकी वजह से, कसम से भाई। ओए ओए जल्दी उठ भाई, इसने मेरे को गिरा दिया नीचे, भैंस की आँख उसकी। एक सेकंड गाइस, को कौन हो रखा हूँ मैं, जल्दी उठ। ओके इसको टेम करना इज नॉट ईजी एट ऑल ब्रो। अरे यार बस यार, एक सेकंड टॉर्पर तो अच्छा खासा हिट कर दिया वैसे मैंने इसको, 2 मिलियन का हो चुका है भाई, हो जाएगा टेम तो आराम से कर लेंगे फिर इसको, मुझे ऐसा लगता है टेम तो कर लूँगा इसको आराम से मैं, लेट्स सी। लेकिन एरोज वेस्ट ना हो बस ज़्यादा, तो आराम से हो जाएगा फिर तो। अबे भाई इसको ना तो गोला देख के भाई गेम लैग हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको गेम को। एक मिनट इसके गोले पता है उसकी तरह है रॉक एलिमेंटल गोलम जो है ना वैसा। जो 3.8 मिलियन ही हुआ है अभी तक, पता नहीं मैं सही जगह पे मार रहा हूँ कि नहीं, लग तो रहा नहीं इसको वैसे। आइए बच जा बेटे, मेरे को लग रहा है गीगा भाई बहुत गंदा मारेगा अगर मारेगा तो। यार क्या करूँ मैं इसको टेम करने के लिए, अब चला डैमेज भी देगा बहुत गंदा वाला, इसको टेम करना इज वेरी टफ यार। इसके पास जाऊंगा तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, इतनी दूर से तो नहीं लगेगा आई एम श्योर अबाउट दिस। साढ़ा पता नहीं कहाँ कहाँ तक की गोले फेंकता है तो ये। चल तू गोली हो पहले इसको लग। भाई 4.8 मिलियन तो हो चुका है, टीम तो कर लूँगा इसको मैं, इतना तो कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा रिस्की है। आ जा बेटे, अरे ओए वेरी नाइस। ओए ये एल्डर मलिन पागल है कि उसके मुंह पे जाके मरने की फिरात में हो रही है, देखो उसके पैरों के पास में क्या कर रहा है इसको। ए यार आई जस्ट होप सो कि ना वो मरा ना हो प्लीज़ यार। एक सेकंड, एल्डर मलिन बच गया कि नहीं बचा, बच तो गया। चलो इसकी हेल्थ गया तो भाई थोड़े पॉइंट लगाने पड़ेंगे, आई डोंट वॉन्ट कि मरे, 15 मिलियन हेल्थ ऐसी थोड़ी है इसकी। एक मिनट रुको जरा, हाँ ले बेटे ले, रुक जाओ गाइस पकड़ कर लेकर आता हूँ अभी मैं उसको। बहुत सीन है भाई, लेकिन ये इतना स्लो क्यों चल रही है, क्या हो गया इसको, इतना स्लो क्यों चल रहा है। हाँ रुको, किस साइड था यार ये, पीछे की साइड में था ना, इधर रुको भाई। बहुत सीन है इसका, लेकिन यार इसको टेम करना इजी नहीं है। 38 मिलियन का टॉर्प हो रहा है यार, 38 मिलियन मजाक थोड़ी होता है कोई, और उसके मास पास भी चला गया ना मार देगा मेरे को बार बार वो। बहुत तकलीफ है भाई, बहुत तकलीफ है। किधर चला गया, ये रहा मिल गया। टेम तो कर लूँगा एक बात तो है। अरे मेरे को ही मार रहे है भाई, इसको इतनी दूर से कैसे पता लग जाता है। एक तो इसका बड़ा सीन है भाई, ये खुद फंसा हुआ है इसका टैक्स में, बताओ देख लो। ओए मेरे को नहीं जाना मैं मर जाऊँगा, अड़ा भी मरा था मैं इसका टैक्स में। ओके सो मैं एक ही एरो मार सकता हूँ एक बार में, तब इसको जाकर टेम करूँगा मैं, ठीक है। ओए इसके पास नहीं जाना यार, ये घोड़ा क्या है भाई, एल्डर मलिन यार क्या है यार, कितने बार मारेगा भाई, बस कर यार। ओके अभी मैं वापस तो आ चुका हूँ, लेकिन थोड़ा रिस्की का काम तो है भाई, मैं क्या करूँ यार, बहुत गंदा मार रहा है मेरे को बार बार।
क्योंकि इसके पास भी अगर जाता हूँ ना मेरे को ये बहुत गंदा डैमेज देता है। ये देखो मैं भी इसके पास आया भी नहीं हूँ, उससे पहले इसने जो इसको पता लगा लिया कि मैं आ चुका हूँ। नाइस, अब इसको पता नहीं एरोज लगेगी कि नहीं मेरी। और इसके एक तो एरो लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसके अगर इस वाले इलाके में चला गया तो मैं मरूँगा, बताओ। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इसकी वजह से, अभी गीगा की वजह से। टेम करना भाई ये बहुत हार्ड है, इसको टेम करना। लग जा, लगी 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 लगी। 6.9 मिलियन, 7 हो गया, 7 मिलियन हो गया। रुक जाओ, करते हैं करते हैं टेम करते हैं। रुक जाओ, एक काम करूँ क्या मैं, रुकूँ अगर मैं इसके एग्जैक्ट लोकेशन पे नीचे की साइड रहूँ तो, क्योंकि इसका आई डोंट थिंक हवा में ज़्यादा ऊपर आ सकता है अटैक। हाँ इतना ठीक है, ये नीचे ही बैठा हुआ है ना वैसे भी। आई होप कि इसको लग जाएगा, ये क्या कहते हो, लग जाएगा क्या? आई डाउट इट वैसे तो। हाँ लगा है, लगा है, लगा है, अब लग रहा है। आई डोंट थिंक इतना ऊपर इसका अटैक आएगा वैसे भी। सो या दिस इज भाई बहुत बढ़िया स्पॉट है वाला। या बहुत सही स्पॉट है। आजा बेटे तेरी तो वॉट लगाएंगे आज सारे। अभी भाई इतनी देर से अगर यही कर लेता मैं तो हो जाता हूँ तक टीम। ये कितना हो गया, इतने ऊपर तक, क्योंकि इसके गोले पहुँचेंगे नहीं, ये कुछ नहीं पाड़ पाएगा मेरा भाई। अरे यार हिलना बंद कर देना बस। ये बढ़िया है कि ये खुद के अटैक में फंस रहा है, दैट इज़ अ नाइस थिंग ओनली। यार ये आगे भाग रहा है ना, दिक्कत दे रहा है ये। एरोज लगी नहीं थी उसके साड़े के। अबे लग जा यार। लगी 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 लगी, एक तो लग गई है। अबे किधर गया? अब मैं थोड़ा पता घूम नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं घुमाना तो ये मेरे को पता है मेरा घोड़ा क्या करेगा, इसलिए। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी दिक्कत है भाई ये वाली बात तो। एक सेकंड रुको, थोड़ा ऊपर जान दो मेरे को, क्योंकि सीन हो जाएगा मेरे में तो। आराम से यार, एक तो नीचे ही खड़ा हो रहा है ना, दिक्कत ये है क्या करूँ मैं इसका। अब लगा 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 तो यार किधर, ये कहाँ चला जाता है यार इसके ऐसे की तैसे। भाई मेरे नीचे आगे खड़ा हो रहा है, ठीक है भाई ये की कहाँ सर नीचे खड़ा हो रहा है यार, क्या दिक्कत है। अच्छा खासा ना पहले भी सही जगह पे था ये। रुक जाओ एक मिनट दो मेरे को बस। आजा बेटे तेरी ऐसी की तैसी। आई होप कि लगता है, अबे यार लगा तो है लेकिन बहुत आगे भाग जाए। लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा लग जा, नहीं लग रहा। नाइस 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 नाइस। यार ये थोड़ी दिक्कत होने वाली है इसको टेम करने में, बहुत ज़्यादा टफ है इसको टेम करना। साला अगर गलती से इसके पास से लागे ना मार देगा मेरे को, ये बहुत आराम से मार देगा। इसके पास एरोज नहीं पहुँच रही क्या मेरी? भाई इसको मारना क्या इतना टफ है क्या भाई? इसका टॉर्पर ही नहीं लग रहा है। 13 पॉइंट, तब से इतना सा टॉर्पर लगा है बताओ भाई। यार इतना हिलना ढुलना बंद कर देना तो काम हो जाएगा मेरा, बस एक जगह खड़ा हो जाए बस ये, शांति से मज़ा आ जाएगा फिर तो। हो जा भाई शांति से खड़े हो जाए एक जगह पे। एरोज ही नहीं लग रही भाई इसको। नाइस, 14.5 मिलियन हुआ है भाई, अभी तो आधा टॉर्पर भी नहीं हुआ अच्छे से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको पकड़ूंगा साढ़े को आज तो। मुझे लग रहा है भाई बहुत खतरनाक निकलने वाला है वाला गीगा इसलिए। आइए वेट 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 वेट। हाँ ओके भाई, बहुत रिस्की काम है। रुक जाओ यार, इतना हिल क्यों रहा है, एक जगह खड़ा हो जाना यार भाई। एक जगह हो जाए तो आराम से मेरा काम हो जाएगा, अटक वटक जाए ना एक जगह पर तो मज़ा आ जाएगा फिर तो। मसाला इसको लग भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ जा रही है मेरी बुलेट्स वगैरह भी। भागना बंद कर दे यार। पता नहीं इसको लगेगी भी नहीं लगेगी। एक मिनट एक मिनट, भैंस क्या कितना हो गया, 15 मिलियन हुआ है अभी तक, सिर्फ 15 मिलियन हुआ है यार। 15 मिलियन बहुत कम है अभी तो, बहुत करना है अभी तो इसको। रुक जा बेटे एक जगह रुक जा। ओके भाई एरोज से मारना तो बहुत टाइम लग रहा है, मैं काम करता हूँ उसको बुलेट से मारता हूँ। आई होप बुलेट से थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि बुलेट से मेरे को थोड़ा काफ़ी अच्छा खासा एरिया मिल जा रहा है तो मैं कवर कर लूँगा, लेकिन साला उससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। 18 मिलियन तो हो ही चुका है, 18.3 हो चुका है। एक बार देखते हैं कि एरोज से ज़्यादा पड़ रहा है या फिर बुलेट से ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। अभी रिलोड क्यों नहीं करता एक तो भाई, पूरा अच्छे से दिमाग ख़राब। रुक जाओ, ये पानी में क्यों जा रहा है यार, पानी में कोई मार मार के चला जाएगा इसको। अबे लग क्यों नहीं रही इसको, 18.5 भाई। पता है टॉर्पर उससे ज़्यादा लग रहा है, बल्कि
क्योंकि तो एक एरो से पता है ये बहुत अच्छा खासा डैमेज। रुक जाओ, पानी में क्या अटैक करेगा क्या मेरे को ये? आई डोंट थिंक सो करेगा। हाँ आई डोंट थिंक पानी में अटैक कर सकता है मेरे को ये, राइट? अरे हाँ, ये तो बढ़िया चीज़ है मेरे लिए तो। आजा बेटे तू, आजा। इधर गया भाई? यार कहाँ गए वो जाता एक तो? हाँ पानी में अटैक नहीं करता ना ये, चलो बहुत बढ़िया चीज़ है। आजा बेटे, तेरे को तो अपना बना के रहूँगा। आजा, 40,000 का डैमेज दे रहा है लेकिन मेरे को, ये बात ये याद रखना पड़ेगा मेरे को भाई, 40,000 का डैमेज। नाइस, 40,000 तेरी भैंस की। साढ़े रुक तेरी, ऐसी की तैसी आँस तो तुझे मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगा। और बता, घूम जा फिर तेरी भैंस की। रुक, हो गया गाइस, हो गया टेम, हो गया बस। अरे अरे भाई, एक मिनट होने वाला है। आजा आजा, आराम से आजा भाई। क्या घूम फिर के ये एल्डर मलिन ना कसम से दिमाग खराब कर रहा है मेरा, पता नहीं अलग ही तरह से घूमता है भाई। घूम चक्कर घूम रहा है ऐसे एकदम। रुक जगह ना, थोड़ा आराम से खड़े होने पहले मेरे को, तब मैं कुछ कर सकता हूँ भाई। आइए, और मैं पानी में लग गया, मेरे लगेंगे पानी में। रुक जाओ, सही है पानी में, बल्कि बढ़िया है मेरे लिए। रुको, हो जाएगा, अब तो टेम कर लूँगा इसको आराम से मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटे, पानी में पकड़ूंगा तेरे को मैं अब। भाग कर रहे हैं। रुक, यो बॉयज, अपना है ये तो, अपना हो गया सेलेस्टियल जीगा, लेट्स गो। तीन चाहिए ना, वैसे बढ़िया है कि पानी में कोई खतरनाक डायनासोर नहीं, अभी नहीं तो मार देते मेरे को। फिर कुछ नहीं कर रहा है भाई लिटरली। ओके फाइनली, अबे ये हिल क्यों, अचानक से हिलने क्यों लग गया इतना ये भाई? अगर बाहर निकल गया ना तो सीन हो जाएगा बहुत गंदा वाला। प्लीज़ बाहर मत निकलियो प्लीज़ भाई प्लीज़। 34 हो चुका है, रुक जाओ, होने वाला प्लीज़ मत जाओ बाहर। रुक जाओ भाई, होने वाला टीम अटका पड़ा है भाई, पता नहीं कहीं तो अटका हुआ है। लेकिन भाई देख लो कितनी एरोज वेस्ट कर दी मैंने इसमें। वेस्ट नहीं भाई, बहुत ज़्यादा एरोज मारनी पड़ रही है। ओरिजिन से तो कब का टेम हो जाता है अभी तक भाई। 36 मिलियन होने वाला है। 37.34। अभी इतना स्लोली क्यों पड़ रहा है इसे डॉरपोर है? पहले तो काफ़ी, गिर गया। यो ओ भाई नीचे, एक सेकंड, पानी में भी है खतरनाक डायनोस तो। सेलेस्टियल केबल है ना, 3 देखा बेटे। अरे अरे अरे, ये क्या डंकलियोस्टियोस क्या कर रहा है? ये लेट्स गो, डंकलियोस्टियोस नीचे खड़ा हुआ है और मेरा मेलिन का चला गया। रुक जा, सब कुछ करने से पहले अब इसकी इन्वेंटरी क्यों नहीं खोल पा रहा मैं? एक मिनट गाइस, एक सेकंड। अबे कहाँ चला गया वो ग्रो पेस्ट खिलाऊँ क्या इसको मैं? नहीं यार, इसका मेरे को डैमेज वैमेज देख के ना मेरे को लगता नहीं ग्रो पेस्ट खिलाने की इसको ज़रूरत है, ठीक है? बाकी एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, मैं इसको ड्रैगन खिला देता हूँ एक बार, इसको घर लेके जाऊँगा क्योंकि इसकी टेस्टिंग करनी है घर पर जाके। मेरा मलिन कहाँ चला गया लेकिन भाई? हे वेयर इज़ माई मलिन? एक मिनट भाई, मलिन ने डरा दिया था मेरे को भाई। एक मिनट, कुछ तो सीन हो रखा है पानी में मेरे को। आई थिंक मलिन को स्पॉन नहीं करा पा रहा मैं पानी के आसपास। रुको, अरे आजा भाई, तेरी पूछ से छिड़ के जाऊँगा ऊपर मैं। ओके रुक जाओ, मलिन को बुला दो ज़रा। क्या सीन है इसका, पानी में क्यों गिर रहा है ये? पानी में नहीं गिरने देना क्योंकि मैं इसको उड़ा के लेके जाऊँगा इसलिए। आइए लेट्स गो, आइए फाइनली। चलो अब एक काम करते हैं, ये क्या अभी, ये क्या नीचे गाचा क्लाउज? ये ऐसे कौन से गाचा क्लाउज आने लगे भाई ये? कुछ अच्छा लॉल, ऊपर से कुछ और ही लग रहा था क्योंकि इसलिए। बाकी ठीक है, रुक जाओ अभी फटाफट से मैं पहले घर पे पहुंचता हूँ क्योंकि अपने को जो सेडल बनाकर एक आना, सारे डायनोस को बनाऊंगा इस बार मैं सेडल। सो अभी मैं घर पर आ चुका हूँ और एल्डर मलिन का मेरे को सेडल बनाना है। रुक जाओ, सारा सेडल अनलॉक करूँगा भाई मैं। मलिन का सेडल नहीं है इसमें, मलिन का सेडल है, चलो ये रहा, यही बनेगा आई थिंक। और उसके बाद में चाहिए मेरे को किसका, टेरर बर्ड का मैंने बना रखा है ना, या टेरर बर्ड का बना हुआ है, और बफून टेरर बर्ड का चाहिए रुको। अरे टेरर बर्ड, ये रहा बफून टेरर बर्ड का अनलॉक कर लेते हैं। एंड उसी के साथ जो है मेरे को चाहिए सेलेस्टियल गीगा, वेर इज़ गीगा? अरे गीगा का सेटल कहाँ है भाई? सेटल, ये लेट्स गो, सेलेस्टियल गीगा भी आने वाला है। और आई थिंक 3 ही चाहिए ना मेरे को, टेरर बोर्ड तो है, डेमोनिक मेसोपिथिकस का भी है मेरे पास सेडल, या आई थिंक सो। मेरे को और तो सेडल की ज़रूरत नहीं है, मलिन को। ओ वेट,
भाई सैडल अनलॉक तो कर लिया, लेकिन बनाएगा कौन उनको? मलिन का सैडल बना लेता हूँ पहले। ये क्या है? ये है मलिन टर्न, अच्छा पटेरा का है, क्या है, टर्नाडोन का है, ठीक है इसको निकाल लेता हूँ। इसके बाद में है गीगा सेलेस्टियल हाइट चाहिए 2000, वाओ नाइस, अभी लेकर आता हूँ, रुक जाओ। गीगा चाहिए, गीगा के बाद में क्या आता है, सॉरी बुफन टेरर, बढ़िया ये रहा, लेट्स गो, ये भी बन जाए फटाफट से। मेरे को 2000 सेलेस्टियल हाइट चाहिए, मेरे को सेलेस्टियल डायनोस पहले कराने पड़ेंगे, रुक जाओ गाइस ज़रा, अभी कर आते हैं सबका काम दबाऊँ भाई। इधर आ भाई, तू तो अपना सेडल पहन ले पहले तो। वो सेडल तो सही लग रहा है इसके ऊपर, ऐसे वाला भी पूरा कलर वाला मैच कर रहा है इससे, है ना, देख रहे हो भाई इसका सही सेडल बनाया हुआ भाई, एक नंबर। ये रुको ज़रा मैंने काम कर दूँ, इसका बनाया बफून टेरर बर्ड का बनाया मैंने, टेरर बर्ड बाहर निकालना ज़रा मेरे को, फिर सेलेस्टियल वाले को पेल कराएंगे थोड़े बहुत। या वी नीड अ लॉट ऑफ हाइड, इसलिए इसको पहले मैं बाहर पेलता हूँ। ओहो भाई, अच्छा ये है रॉकेट वॉकेट फेंकने वाला, ओह मैं सोच रहा कौन सा डायनो था भाई, रुक जाओ इसकी 200,000 की हेल्थ ना, और इसको थोड़ा बहुत खिला देता हूँ, थोड़ा बहुत बूस्ट करा देता हूँ इसको। कितना है ये, मीडियम एक्सपीरियंस पोशन है, 5 खिला देता हूँ, लेट्स गो। बाकी करते हैं मिल डैमेज भर देता हूँ इसका, देखते हैं कि मिल डैमेज मैक्स टू मैक्स कितना दे सकता है भाई आखिर ये, 50-60,000 में 70 हो गया है, 80 हो गया है, ठीक है लेट्स गो। बैठते हैं इसके ऊपर, हील कर लेते हैं, चलो भाई चल, ठीक है बहुत कुछ हो लिया यार, बढ़िया तो दिख रहा है ये, देख रहे हो तुम लोग ऐसे मिसाइल विसाइल लगा रखी है इसने बगल बगल में, हाँ भाई कूल बन रहा है बहुत भाई, सब चश्मा वश्मा पहना रखा है एकदम नाइस। राइट क्लिक से क्या करता है, मिसाइलें छोड़ता है, वाओ अरे ऐसे ऐसे मिसाइलें ना भाई, ये खतरनाक, ये क्या है, गाचक लग, अच्छा ये मिसाइल है तो मस्त है भाई इसकी। वो एक सेकंड, इसने बुफ इसको पेल दिया इसने, अभी कोई तो डोडो को मारा है इसने, 200,000 का डैमेज दे रहा है, सी से कुछ करता है, वे सी से कुछ तो कर रहा है ये, ओ लुक एट दैट, छोड़ अभी राइट क्लिक करूँगा तो मिसाइल भी छोड़ता है राइट क्लिक करते हुए भाई, ये मस्त है, ये लिटरली मस्त है भाई, ये देखो डेमोनिक वाले को पेल के देखो, इससे डेमोनिक मैं सोपे दिखा सकूँ। अरे भैंस क्या क्या हो रहा है ये, अरे 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 7,00,000 का डैमेज दे रहा नॉर्मल वाला अटैक में, ये भाई खतरनाक तो है, रुक जा है मारी मैं इसके, आओ इधर आओ तुम सबको बताता हूँ मैं, साड़ो पंगे ले रहा हूँ फालतू में, मार दिया इसने प्राइमल वाले को पेल दिया, बताओ अच्छा प्राइमल नहीं था शायद से नॉर्मल वाला ही था वो, ये भाई डेमोनिक वाले को भी मार दिया उसने तो आराम से एकदम ईजीली ब्रो, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, मार सबको मार साड़ो को उनकी पैंस क्या, और सबको पेल रहे तो ऐसे आराम से मार रहा है भाई इसका, मस्त है राइट क्लिक वाला, मतलब छोड़ दे जाता है भाई, और क्या क्या एबिलिटीज है, पावर अप तो नहीं होता, पावर अप नहीं होता, लेकिन ये साला बूस्ट करके पता नहीं कहीं भाग जाता है, और अगर मैं मिसाइल छोड़ता रहूँगा ना बीच रास्ते में तो ये जो है अभी देखना तो देखूँ फटती रहेगी, ये लिटरली फटती रहेंगी सारी मिसाइलें विसाइलें। मेरे को सेलेस्टियल वाला ढूंढना पड़ेगा यार, एक सेलेस्टियल वाला मेरे को क्योंकि हाइट चाहिए ना, इसलिए सेलेस्टियल वाले को मारना पड़ेगा, रुको गैल्पा कारनो ये तो कैसे, तो मेरे आसपास जो भी सेलेस्टियल डायनासोर है ना उसको पेल कराएंगे, रुक जाओ इसका ये वाली चीज़ मस्त है भाई, काफ़ी काम की चीज़ है, बूस्ट करते हो अपन कहीं पर भी जा सकते हैं, दैट इज़ नाइस। और ये लो भाई सेलेस्टियल थैरी के पास में पहुंच भी गए, दिस इज़ नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी यूज़फुल गाइस, वेरी वेरी यूज़फुल। सेलेस्टियल थैरी तेरी भैंस के, यो साढ़े चोड़ में कैसे हो रहा है, इधर तेरी आ सकते ऐसी क्या कर लेगा बता, पाड़ लेगा तू, हज़ार अबे 1000 सेलेस्टियल हाइट मिल गया, और ओ, एक और मारना पड़ेगा, रुको कितने मिलेगा, 4000 मीटर दूर, अबे पागल है क्या, एक सेकंड गाइस मैंने मैप में आसपास देखा था कहीं, तो रुक जाओ जो पास में उसके पास चलेंगे ना भाई, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, सेलेस्टियल के आसपास ही कहीं था, ये रहा डायर भी, डायर भी मार दूंगा मैं, नॉट श्योर दो, लेट्स गिव द ट्राई, चलो बेटा बूस्ट मार निकल, ओ भाई साहब ये तो मरने वाला, मेरे को गारंटी देके कह सकता हूँ मरने वाला, क्योंकि यहाँ पे यस भाग बेटे भाग ले पहले को चौधर को गोली उल्ले एकदम, आजा सेलेस्टियल वाले की तरह तेरी भैंस की, अरे ओए नहीं मैंने गलती से राइट, अबे कुछ और कर दिया मैंने, नहीं मैंने सीधा दबा दिया गलती से, अरे यार सेलेस्टियल वाला भी मर गया, उसका मेरे को वो निकालना था भाई, कहाँ जा रहा है बस कर यार, इतना भी लंबा जंप नहीं मारना था, मरवाएगा साला मेरे को, रुक जाओ गाइस भाग गोलियो,
यार ये मस्त है लेकिन भाई इधर उधर जाने के लिए, रुक जा बस बस रुक जा। हाँ तो सही जगह पे कूदा एकदम भाई। चलो हाइट निकाल लेते हैं। ऐसे कितनी मिल गई? 1000 मिल गई, आई थिंक इनफ है। इतनी मेरे हिसाब से कितनी हो गई है सेलेस्टियल हाइट कितनी मिल गई? रुको तो 2240 हो गई ना। एक और मारू क्या सेलेस्टियल वाला कोई आसपास है क्या? 800 मीटर दूर है। रुक जा एक और पेल कर आ जाता हूँ एंड लेट्स गो भाई साहब। सीधा उसी के पास पहुँचूंगा भाई। 800 मीटर है या 1000 मीटर का तो आराम से कवर कर लेता है ये। मतलब मान के चलो अगर बीच में कोई भी वो रोकने रोक टोक ना आए तो आराम से। ओ भैंस की क्लोज रेंज में 1 मिलियन का डैमेज देता है ये। एक मिनट रुको 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 रुको। और नॉर्मली भी जंप करता है पता है ये, वैसे भी करता है बूस्ट मार के भी और नॉर्मली भी करता है। ले भाई मार दो सबको मार दो। किसको मारा इसने? सेलेस्टियल हाइट मिल गई ना। चलो बहुत सही। पर भाई बफन टेरर बर्ड भी एक नंबर का है, मस्त है भाई ये। मतलब कूदने वाली स्पीड मेरे को बहुत सही लगी कि अपन कूद के कहीं पे भी जा सकते हैं, दैट इज नाइस। चलो अभी बारी आ चुकी है हमारे सेलेस्टियल गीगा की, ठीक है। इसका बना दें सैडल एंड लेट्स गो बॉयज। अभी आएगा असली मजा। एंड मैंने सबको सैडल पहना दिया था ना वैसे, या आई डेड। तो अभी गीगा को बुलाते हैं क्या? गीगा तो भाई तबाही मचाएगा। देखते हैं इसको ना मैं कोई खतरनाक वाली जगह पे छोड़ कर आऊँगा ताकि ना वहाँ पे खतरनाक वाला सबको पेलता रहेगा आराम आराम से। रुक जाओ जरा मैं पहले इसको बुला लूँ यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा बड़ा डायनासोर है भाई गीगा, गीगांटोसोरस। तुम देख सकते हो डेमोनिक वाले से भी ज़्यादा, आई मीन कौन है ओमेगा वाले से, शायद छोटा है ओमेगा वाले से ना, बड़ा होगा मे बी मेरे हिसाब से तो। बाकी इसकी हेल्थ कितनी है? इसकी 27 मिलियन की हेल्थ है क्या? अच्छा मेरे को लगा इसकी हेल्थ 272 मिलियन है। लॉल ओके ओके ओके। 5 2 ये खिला देता हूँ, 5 ये खिला देता हूँ, ठीक है। पूरा बूस्ट एकदम अच्छा खासा, लेट्स गो। हेल्थ तुम देख सकते हो इसकी 250 मिलियन आई थिंक इनफ रहेगी या, एंड बाकी सारे पॉइंट्स इसके जाएंगे यहाँ पर। थोड़ा बहुत ना स्टैमिना भी बढ़ा लेता हूँ 2 लाख तक का। बाकी सारे पॉइंट्स जाएंगे इसके मिल डैमेज में भी, ठीक है। लेट्स गो। अभी भाई इसको और ज़्यादा खतरनाक बनाऊंगा वैसे। ये इसका मिल डैमेज में काफ़ी स्लोली पॉइंट्स लग रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा खतरनाक हो जाए। रुको 5 और खिला देता हूँ इसको, लार्ज वाले, ठीक है। लार्ज वाले दिया भाई सीधा मैंने इसको। मज़ा आएगा भाई ये देखो तुम। अभी बस 44K का हो चुका है एंड तो हीलिंग पे इसका चले गए मेरे सारे। हंसियाँ किसकी? ले भाई खा। चलो टाइम आ चुका है गीगा से थोड़ी यू नो दवाई बचाने का। 5.9 मिलियन ओके नॉट बैड भाई, अच्छा दे रहा है सेलेस्टियल के नाम पे भी अच्छा दे रहा है अटैक। तो रैम साइकिल आया हुआ ना, आ जाओ बेटे आ जाओ रैम साइकिल दुआ तुझे मैं बताऊँ मेरी ऐसी कैसी सैडल। सैडल के लिए थैंक यू सो मच। नॉर्मल अटैक है इसके, ठीक है। बूस्ट नहीं कर रखा, बूस्ट हो रखा है क्या ये? अब मैंने इसको बूस्ट किया, ठीक है। 5.9 मिलियन का दे रहा था नॉर्मली तो, और अभी देखते हैं क्या कितना देगा ये। 8.9 मिलियन का दे रहा है अभी, दैट इज़ नाइस, वेरी वेरी नाइस। 8.9 मिलियन ओके। ये है सेलेस्टियल फिरोक्स, डरा तो रहा है। अच्छा तू भी रोवर कर रहा, साढ़े ले निकल। इसको काफ़ी कम डैमेज दिया लेकिन इसने बूस्ट के हिसाब से भी 6.7 मिलियन का दिया है सिर्फ। वो जो क्या मैं इसको मार पाऊँगा सी से? अबे तो क्या कर रहा है? इसका अटैक ही ऐसा है बे। मारा कि नहीं मारा इसने उसको? आई एम नॉट श्योर इसने उसको मारा कि नहीं जो यहाँ पे फंसा हुआ था। अभी देखना है मेरे को इसने सेलेस्टियल डेमोनिक वाला मार के। अभी इसने डेमोनिक वाले को पेल दिया आराम से भाई। खतरनाक तो है गाइस ये, खतरनाक तो है। यहाँ कोई तो दबाई मचा रहा है लेकिन रुको एक मिनट रुको। इसकी और स्पेशल एबिलिटीज कुछ है? एक्स से कुछ नहीं होता, कंट्रोल सी से बूस्ट ही होता है सिर्फ। नहीं काम करो वापस बूस्ट ले ले भाई तुम। रुक जाओ इसके फिर से मेरे को ये थोड़ा बेकार लगा ना इसका। ये तुम देख रहे हो अभी सीधा पाऊँगा तो ये कुछ भी फेंक देता है कहीं पे भी। देखो गोला कहीं पे फेंक दिया फिर वो गोला जो है टप्पा खा के बहुत सारे गोले क्रिएट करता है। हाँ समझा नहीं क्या सीन था ये। सेलेस्टियल गीगा किल्ड पता नहीं किसको मारा इसने। एक मिनट रुको क्या मैं एक चीज़ करके देखोगे गाइस? मैं ओरिजिन डाइनो से कोई पंगा करूँ इसका मैं? क्या लगता है मार देगा ओरिजिन डाइनो को ये? अगर मार देता तो मज़ा आ जाएगा। एक बार रुक जाओ मैं ज़रा घर जाकर आता हूँ और ओरिजिन डाइनो को स्पॉन करने वाला वो बनाकर लेकर आता हूँ। कोई ना कोई तो पेलेंगे भाई अभी आके अपन।
ओके यहाँ चलते हैं बॉस समनर्स में, और टीयर थ्री में जो है इंडो वाला बनाना अपने को, राइट। तो देख लेता हूँ यहाँ पे, अभी स्पाइनो मारना है और वेवन मारना है, ठीक है। तो एक स्पाइनो का मैं बना लेता हूँ, स्पाइनो ये कौन है, ये रेक्स है, ये है कार्नो, ये रहा ओरिजिन स्पाइनो, ठीक है। एक ओरिजिन स्पाइनो को बना रहा हूँ और एक अपने को वेवन को भी मारना है, तो वेवन का भी एक बना लेता हूँ मैं। क्या चाहिए, जेनरिक आर्टिफैक्ट चाहिए इसके लिए, अब यार मेरे को आर्टिफैक्ट वाला मारना पड़ेगा, ठीक है कोई सीन नहीं है, रुक जाओ अभी ज़रा मैं अपने गीगा वीगा के पास में चलता हूँ और पिटवाते हैं इसको जाके। ये अरे यार वो मार्क क्यों रखा सेलेस्टियल आर्मी वाला। तुम लोगों ने मेरे को एक और चीज़ बताई थी कि अगर अपन कोई एरो वैरो पे क्लिक करते हैं ना किसी नाम वाम को सर्च करके तो सजेशन दिखाता है, और तो कहाँ कौन सी एरो की बात कर रहे हो, तुम इसकी बात कर रहे हो, डिस्टेंस के हिसाब से आएगा ये लेवल के हिसाब से आएगा, कौन सी एरो की बात करते गाइस तुम लोग, ये इस एरो की बात कर रहे हो क्या, ये इस एरो पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा भाई, कौन सी एरो की बात कर रहे थे, मेरे को समझा नहीं, मुझे एक बार थोड़ा अच्छे से समझाना ठीक है क्या सीन है, ये एरो से तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो, मेरे को एक बार रुक जाओ जरा, अरे यार इसको रिमूव करना था, मैं भी क्या करने लग गया, क्लियर ऑल करना है और तो कुछ है नहीं इसमें इतना ऑप्शन वगैरह बाकी, तो ऐसे क्लियर ऑल कर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी अपन जो स्पाइनो को बुलाते हैं, और स्पाइनो के साथ में भी मुझे लगता नहीं गीगा मार पाएगा उसका, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, राइट। सो गीगा को तो मैं बुलाऊंगा, पहले गीगा को बुला ही लेता हूँ, सारा रिस्की हो जाएगा ना तो काम। गीगा 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 एंटोसॉरस, बट टेरर बर्ड तो आराम से मार देगा उसको, आई एम श्योर अबाउट दिस, टेरर बर्ड या फिर डेमोनिक एम्प्रेस वाला भी बहुत आराम से पेल देंगे भाई इनको। ऊपर स्पॉन कराऊंगा थोड़ा, क्योंकि ना मेरा बेस का जो है उसमें मर जाएगा नहीं तो बिना मतलब के, वो थोड़ा अच्छे से करवाएंगे जो भी करवाना है भाई, बॉस फाइट अच्छे से इसकी। जो तुम लोगों ने ये भी बताया था किसी हिल विल पे खड़े होना, और तेरी भैंस की यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, रुक जाओ यहाँ पे तो कुछ सीन और कर, गाइस मैं थोड़ा उधर जाता हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, रुको ये तुमने कहा था हिल पर रहना, और ये भाई ये कौन है, ओरिजिन रैप्टर आ गया भाई, देख लो अभी ओरिजिन रैप्टर पंगा लेगा, रुको इसको कंज्यूम करते हैं एंड लेट्स गो बॉयज, आ जाओ 5-10 मिलियन हेल्थ है इसकी, चल बेटा शुरू हो जा। ओ ये 3-4 गोले निकालता अपने मुंह से, ओ भाई 550, ये लिटरली बॉस किलर बन सकता आराम से, ये देख रहे हो तुम लोग, ओए हाय ले भाई तू स्वाद ले, नहीं तू चस्का ले तू मेरे इस अटैक्स का, रुक जा तेरे को मैं बताता हूँ, 550 का भाई डैमेज दे रहा है इसको, 500,000 का ये बूस्टेड है ये वाला सिर्फ, ओह रुक जा इसको भी बताता हूँ, 5.5 ये कुकून हो रखा है भाई, काफ़ी स्लोली चल रहा है इसका तो काम हो जाएगा इतनी देर में। आ जा तू जब तक आएगा तब तक तू मर ही जाएगा ताड़े। क्या ही पाड़ लेगा तू, आ जा कहाँ भाग रहा है, नहीं हो रहा है क्या भाई, फटके चार होगी इसकी तो, गोली होने की फिरात में ये तो, रुक जा गीगा है तो खतरनाक भाई, लेकिन बहुत पावरफुल है ये, हाँ जा भाई खत्म है, मर गया ये तो, इसका तो काम कर दिया मैंने ओरिजिन स्पाइनो का, तो आराम से मार दिया बस को तो मैंने, अरे इतना जल्दी मरता नहीं कोई डायनासोर, अबे मरा नहीं है, रुको रुको अरे रुक जा तुझे, अरे तेरी पैंस की, रुक जा, अरे मरा नहीं है रुक जाओ, अबे रैप्टर भी आ गया यहाँ पे, उसको 4.5 लाख का डैमेज पड़ रहा है उसको, बताऊँ अभी बताता हूँ, 5.5 रुक जाओ तुम, अरे ऐसे की तैसे सालों, ओरिजिन स्पाइनो खत्म, तू इधर आ, तुझे मैं बताऊँ, तू क्यों फालतू में छोड़ में आ रहे हैं, तू क्यों फालतू में छोड़ में आ रहे हैं, 5.5 इधर आइयो, तेरी ऐसे की तैसी ले निकल। भाई सेलेस्टियल गीगा लिटरली पावरफुल तो है गाइस, पावरफुल तो है भाई, बहुत आराम से मार दिया इसने इन सबको, ओरिजिन बॉसेस कुछ नहीं है भाई इसके सामने लिटरली, भाई क्या मिला मेरे को, ओ भाई इससे मेरे को एक्सपोशन मिला मैक्स एक्सपीरियंस वाला, अगर मैं दोनों दो अगर एक साथ मैं मारता हूँ ना मेरे को एक मैक्स एक्सपी बूस्ट मिलता है, पता है क्या, विच इज़ प्रिटी गुड थिंग यू नो, मतलब बहुत काम की चीज़ है, और उसको मैं अभी यूज़ नहीं करने वाला, पूछो क्यों, क्योंकि अभी नेक्स्ट एपिसोड में अपन को डेमोनिक डायनो पकड़ेंगे, डायनोपिथिकस मे बी मैं पकड़ सकता हूँ, तो उसको खिलाऊंगा भाई मैं वो चीज़, मज़ा आ जाएगा फिर तो, ये मज़ा तो आ गया गाइस आज अपन ने, अभी मेरे को जो है ओरिजिन स्पाइनो भी मार, ओरिजिन स्पाइनो तो मार दिया मैंने, मेरे को अभी जो है ना एक और वो पेलना है, वेवन पेलना है, वेवन को मारने के बाद में जो है अपन एक और, ये क्या आ रहे छोटे मोटे, अबे रुक जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी, पहले घर पे जान दो,
एक बार अगर अपन ने जो है और वेपन को मार दिया ना, फिर अपन इंडो वाले को बुला सकते हैं, और इंडो वाले को मारने के लिए थोड़े डेमोनिक वाले, खतरनाक वाले पकड़ने पड़ेंगे। सो मे बी डायनोपिथिक सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, मे बी थोर्नियो ड्रैगन भी हो सकता है, या फिर रोल रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो मैं रुक जाओ, आराम आराम से पकड़ेंगे सब कुछ, ठीक है। इसकी हेल्थ को क्या हो गया भाई, ले तू हीलिंग पेस्ट का एंजॉय कर। ये क्या आ रहा है कंज्यूमेबल्स में, इसमें बना, ओ इसके पास में बना सकता हूँ, ओके ठीक है गाइस। तो आज अपन ने जो है सेलेस्टियल गीगा टेम कर लिया, और यहाँ पे बफोन टेरर बॉडी भी अपन ने टेम किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डाइनो है भाई कूदने वूदने के मामले में। एंड या गाइस, आज के इस एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। अगर मज़ा आता नहीं, लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।